हेलो एवरीवन, सीएसआईआर नीट जुलाई 2024 एग्जाम में न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में से टोटल 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक न्यूक्लियर फिजिक्स से एक पार्टिकल फिजिक्स से। पहला जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, द डेल्टा डबल प्लस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कोलाइडिंग ए पायन बीम ऑन टू ए एज टू टारगेट इन रिएक्शन इज गिविन पाई प्लस बी से लेके क्या हो रहा है डेल्टा डबल प्लस, और डेल्टा डबल प्लस से जो आ रहा है पाई प्लस से पी आ रहा है। इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ डेल्टा डबल प्लस द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ द पायन इन द फाइनल स्टेट, यूनिट बोला गया था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर क्लोजेस्ट टू, मीन्स ये जो पायन यहाँ पे आ रहा है फाइनल स्टेट पे, इसका एनर्जी एंड मोमेंटम पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए बोला गया था सी इक्वल टू वन, ये एज्यूम कर सकते हो, और जो कुछ मास का वैल्यू गिविन था एक्चुअली जो है कि रेस्ट मास पायन का, प्रोटोन का एंड डेल्टा डबल प्लस का। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअली एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो यहाँ पे देखिए जो फाइनल स्टेट पूछा जा रहा है पायन जो आ रहा है फाइनल स्टेट में उसका एनर्जी है मोमेंटम, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसको हमने यहाँ पे ले लिया, तो क्या है एक्चुअली डेल्टा डबल प्लस से क्या आ रहा है पाई प्लस एंड जो है कि प्रोटोन आ रहा है। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन जो है तो ये वाला है, और यहाँ पे जो है ना बोला गया था डेल्टा डबल प्लस जो है रेस्ट फ्रेम में है, रेस्ट फ्रेम में है, दैट मीन्स जो है ना कि डेल्टा डबल प्लस का एक्चुअली जो मोमेंटम है वो क्या है रेस्ट फ्रेम में, दैट मीन्स मोमेंटम जो है कि जीरो। तो नेक्स्ट जो है तो फिर देखिए क्या है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी ओवर फोर ये होता है, बट ये जो केस में क्या है क्वेश्चन में गिवन है सी इक्वल टू वन, दैट मीन्स इक्वेशन जो आ रहा है स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो ये यूटिलाइज करके एनर्जी डेल्टा डबल प्लस का पाई प्लस का एंड प्रोटोन का जो आ रहा है ये वाला फॉर्म आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए मोमेंटम जो है रेस्ट फ्रेम में डेल्टा डबल प्लस का जीरो है, दैट मीन्स सिर्फ ये बच रहा है, तो सिंपली ये इक्वेशन मिल रहा है, और जो है कि मोमेंटम डेल्टा डबल प्लस का जो है कि जीरो है, दैट मीन्स मोमेंटम कंजर्वेशन से तो दो पार्टिकल वहां से जो है कि प्रोड्यूस हो रहा है डेल्टा डबल प्लस से, क्या है एक्चुअली कि एक जो है कि पाई प्लस और एक जो आ रहा है कि एक प्रोटोन, दैट मीन्स मोमेंटम जो है क्या है डेल्टा डबल प्लस का जीरो है, दैट मीन्स प्रोटोन जो है एंड जो पायन जो है उसका जो मोमेंटम होगा इक्वल होगा जो है कि ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए मोमेंटम जीरो है, दैट मींस मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ पाई प्लस एंड प्रोटोन का जो है कि इक्वल आएगा, ठीक है मैग्नीट्यूड जो है, तो ये वैल्यू पुट करने से इसमें सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है क्या है कि पाई प्लस का जो है कि मोमेंटम का स्क्वायर आ रहा है ए फॉर्म आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है कि डेल्टा डबल प्लस का जो मास गिवन था, ये जो मास है ना रेस्ट मास है, दैट मीन्स क्या था कि 1.2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स 0.200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करके देखिए क्या है कि पायन का मास गिवन था 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्रोटोन का मास गिवन था 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे वैल्यू पुट करके जो आ रहा है पाई प्लस जो पार्टिकल का मोमेंटम वो है कि 130.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो नियर अबाउट क्या है नियर अबाउट 130 है, और जो एनर्जी आ रहा है एनर्जी क्या होगा एनर्जी इक्वल टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होल ओवर हाफ, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आएगा एनर्जी इक्वल टू यहाँ से आएगा क्या है कि स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होल ओवर हाफ दैट इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। तो पाई प्लस के लिए था पाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस यहाँ पे भी होगा पाई प्लस के लिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आ रहा है ए वाला फॉर्म आ रहा है, तो देखिए पाई प्लस का जो है कि मोमेंटम मिल चुका है जो है कि 130.66 एंड पाई प्लस का जो मास है वो क्वेश्चन में गिवन है 140, तो ये वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट मिल रहा है 191.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कि नियर अबाउट 190 के आसपास है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। बस आपको क्या करना था कि एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करने से रिजल्ट आसानी से मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था पार्टिकल फिजिक्स से,
और ये जो पूछा गया था पैरिटी एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, क्या क्वेश्चन है देखिए, पाई माइनस एस पीन जीरो एंड नेगेटिव इंटेंसिव पैरिटी इन रिएक्शन ए न्यूट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट जे इक्वल टू वन, जे मीन्स एंगुलर मोमेंटम, पैरिटी इज प्लस वन, कैप्चर से पाई माइनस इन पी स्टेट, क्वेश्चन में बोला गया था जो स्टेट है जिसमें ये हो रहा है एक्चुअली पी स्टेट में टू प्रोड्यूस ए पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसमें से क्या हो रहा है, दो न्यूट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, रिएक्शन जो है ए वाला रिएक्शन है, क्या है कि डी प्लस डी मीन्स न्यूट्रॉन प्लस पाई माइनस से क्या हो रहा है, दो न्यूट्रॉन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, जो न्यूट्रॉन आ रहा है द न्यूट्रॉन्स विल बी प्रोड्यूस इन ए स्टेट विथ, तो ये जो फाइनल स्टेट हो रहा है ना, ये जो फाइनल स्टेट आ रहा है न्यूट्रॉन्स के लिए, तो इसमें पूछा गया था कि एल का वैल्यू क्या होगा एंड जो है कि एस का वैल्यू क्या होगा फाइनल स्टेट के लिए। तो देखिए इसमें कुछ डाटा गिवन था, जो है कि न्यूट्रॉन के लिए जो है एंगुलर मोमेंटम प्लस वन गिवन था, एंड जो है कि पायोन के लिए स्पिन गिवन था जीरो, पायोन के लिए स्पिन जो है कि जीरो। तो देखिए यहाँ पे तो आपको चाहिए एल के लिए एंगुलर मोमेंटम, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, पी वेव बोला गया था, पी वेव मीन्स एक्चुअली एल का वैल्यू जो है कि वन, एस वेव मीन्स एल इक्वल टू जीरो, पी वेव मीन्स जो है कि एल इक्वल टू वन, ऐसा होता है, ठीक है। तो पी वेव बोला गया था दैट मीन्स एल डी एंड एल पाई वन, इसमें आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो देन देखिए इसमें तो जे इक्वल टू कितना होता है, एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस, फॉर दैट मीन्स पाई माइनस के लिए जो आ रहा है एस का वैल्यू क्या है कि जीरो, क्वेश्चन में गिवन है, एल पाई पी वेव से आ रहा है जो है कि वन, एंड जो देखिए इसमें तो फिर क्या मिल रहा है कि जे पाई माइनस आ रहा है वन, ठीक है, एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तो एक ही आ रहा है जो है कि वन, दैट मीन्स पाई माइनस का जो है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है कि वन, और क्वेश्चन में न्यूटन का जो है कि एंगुलर मोमेंटम बोला गया था जो है कि प्लस वन। तो नेक्स्ट जो है कि फाइनल स्टेट जो आ रहा है दो न्यूट्रॉन, उसका स्पिन जो है कि क्या होगा वो देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो न्यूट्रॉन है फर्स्ट न्यूट्रॉन है, ये जो है कि सेकंड न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन का जो स्पिन होता है हाफ इंटीग्रल होता है, दैट मीन्स एस ऑफ एन वन इक्वल टू हाफ, एस एन टू इक्वल टू हाफ, और स्पिन का जो वैल्यू आता है स्पिन इक्वल टू होता है एस वन प्लस एस टू से लेके क्या है कि एस वन माइनस एस टू, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें सिंप्लीफाई करके जो आ रहा है हाफ प्लस हाफ मिलकर वन एंड हाफ माइनस हाफ होकर जीरो, दैट मीन्स जो है ना एस एन जो आ रहा है ऑन जीरो। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ये फाइनल स्टेट के लिए एल का वैल्यू क्या होगा एंड जो है कि एस एन का वैल्यू क्या होगा। देखिए एस एन का जो वैल्यू आ रहा है वन एंड जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वन एंड जीरो में से एक हो सकता है, ठीक है, जो देखिए फोर ऑप्शन में गिवन है, एक्चुअली सारे जो ऑप्शन है ना सब में क्या है कि एस इक्वल टू जीरो एंड वन ऐसे गिवन है। तो नेक्स्ट देखिए एल एन का वैल्यू क्या है, एल एन इक्वल टू जो है ना वेक्टर एडिशन ऑफ एल डी प्लस एल पाई माइनस, तो देखिए इसमें एल एन आपको चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए एल एन चाहिए, तो एल एन इक्वल टू एल डी प्लस क्या होगा कि एल पाई माइनस, तो वेक्टर एडिशन से क्या आ रहा है देखिए, तो इसमें भी सिमिलर आएगा कि एल वन प्लस एल टू से लेके एल वन माइनस एल टू, दैट मीन्स क्या है कि एल डी का जो वैल्यू है क्या है कि वन एंड एल पाई माइनस का जो वैल्यू है वन, क्योंकि पी ओ एफ के लिए, दैट मीन्स इसमें जो आ रहा है वन प्लस वन टू एंड वन माइनस वन जीरो एंड जो डिफरेंस है प्लस वन, ठीक है, दैट मीन्स टू जीरो आ रहा है एंड उसके बीच में जो आएगा वन, दैट मीन्स एल एन का जो वैल्यू है एक्चुअली क्या होगा, इसमें टू हो सकता है वन हो सकता है एंड जो है कि जीरो हो सकता है, ठीक है। तो चलो देखो इसमें तो आ गया एल एन एंड जे एन का वैल्यू, दैट मीन्स देखिए इसमें जो चार ऑप्शन है इसमें से एल एंड एस का वैल्यू यहाँ से जो आ रहा है ना एक्चुअली, तो जो हो सकता है ऑप्शन टू एंड फोर, वन एंड थ्री ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एल इक्वल टू जीरो एस इक्वल टू वन एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, और जो है ना एल इक्वल टू जीरो एंड एस इक्वल टू जीरो ये हो सकता है। सिमिलरली देखिए जे एन का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जे डी प्लस जे पाई माइनस आएगा, तो इसमें भी देखिए जे डी क्वेश्चन में गिवन था प्लस वन, जे पाई माइनस का वैल्यू आ रहा है वन, दैट मीन्स वन प्लस वन टू एंड वन माइनस वन जीरो एंड जो डिफरेंस है कि प्लस वन, दैट मीन्स टू वन जीरो ऐसा आएगा। तो नेक्स्ट आपको करना है कि पैरिटी कंजर्वेशन, पैरिटी कंजर्वेशन क्या होता है एक्चुअली, पैरिटी फॉर जो है कि टू पार्टिकल के लिए, एक जो सिस्टम होता है एक सिस्टम के लिए जो है कि टू पार्टिकल का कॉन्फिगरेशन में जो पैरिटी ऑफ द सिस्टम होता है दैट इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एल पी ए पी वी, और ये जो एल है ना जिस स्टेट में होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पी स्टेट बोला गया था दैट मीन्स एल इक्वल टू वन, स्पेसिफिक यहाँ पे एल इक्वल टू वन, और पी ए पी वी जो है ना
ए बी दो जो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का इंट्रिंसिक पैरिटी, दिस इज एक्चुअली इंट्रिंसिक पैरिटी, ठीक है, इंट्रिंसिक पैरिटी। तो पैरिटी कंजर्वेशन देखिए दोनों साइड में, तो क्या होगा माइनस वन ओवर एल, एल का वैल्यू क्या है, पी ओ एफ है, एक्चुअली क्या है कि वन, पैरिटी इंट्रिंसिक पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन, इंट्रिंसिक पैरिटी ऑफ पाई माइनस, तो सिमिलरली माइनस वन ऑल ओवर ऑफ एल एल एन एंड पी एन एंड पी एन, ठीक है, न्यूट्रॉन का दोनों न्यूट्रॉन है, पैरिटी इंटेंसिटी पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पे ए आपको कैलकुलेट करना था एल एन का वैल्यू, फाइनल स्टेट का जो है कि एल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बोला गया था न्यूट्रॉन का पैरिटी जो है कि इंटेंसिटी पैरिटी प्लस वन, एंड पायन का बोला गया था इंटेंसिटी पैरिटी जो है कि नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्लस वन मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन का इंटेंसिटी पैरिटी बोला गया था इंटेंसिटी पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू प्लस वन, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस वन ओवर एल एन। तो देखिए इधर जो है कि प्लस वन है, तो एल एन का वैल्यू क्या होने से, ये प्लस वन होगा एल एन इवन होने से, दैट मीन्स जीरो टू फोर सिक्स ऐसा होने से एक्चुअली पैरिटी कंजर्वेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरिटी कंजर्वेशन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे तो एल एन वैल्यू क्या हो सकता है कि टू जीरो टू फोर ऐसा हो सकता है, बट इसमें ऑप्शन में देखिए, ठीक है, ऑप्शन में एक्चुअली जो है ना कि जीरो है, एल एन का वैल्यू क्या है जीरो, एंड जो है कि यहाँ पे देखिए क्या आ रहा था, तो यहाँ पे जो आ रहा था ना, देखिए एलन का वैल्यू जीरो वन टू आ रहा था, मीन्स ये पॉसिबिलिटी है जीरो एंड टू हो सकता है, बट टू जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन में टू प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ओनली जो पॉसिबिलिटी है एलियन का वैल्यू जीरो, क्लियर। तो ये आ गया एलन का वैल्यू जीरो, ऑप्शन टू एंड फोर में से एल का वैल्यू देखिए दोनों में क्या है, एल इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे अलाउड जो ऑप्शन मैंने पहले बोला था यहाँ पे टू एंड फोर ऑप्शन अलाउड है, दैट मीन्स एल इक्वल टू जीरो दोनों ऑप्शन में करेक्ट है, तो आपको चाहिए एस का वैल्यू। तो देखिए एस एन क्या आ रहा है इसमें, एस एन आ रहा था वन एंड जीरो, ठीक है, वन कब आएगा जब दो न्यूट्रॉन क्या है कि सेम ओरिएंटेशन में रहेगा, और अपोजिट ओरिएंटेशन में रहने से एस इक्वल टू कितना आता है, जीरो आता है। और एक चीज आपको मतलब क्या है कि फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल के लिए, ठीक है, फॉर फर्मियन के लिए जो होता है ना, ये टू आइडेंटिकल न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है कि एक्चुअली फर्मियन पार्टिकल है, टू आइडेंटिकल न्यूट्रॉन्स के लिए क्या होता है, वेव फंक्शन जो होता है एंटीसिमेट्रिक होता है, दैट मीन्स ए अलाउड है, ए पे अलाउड नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स एस का जो वैल्यू है जीरो हो सकता है बट वन नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है कि फर्मियंस है, उसका जो कंबाइंड जो वेव फंक्शन आएगा वो भी एंटीसिमेट्रिक आएगा, ठीक है, फर्मियंस आर जो है कि एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन शो करता है, तो इसमें से तो इसलिए अलाउड जो हो रहा है इसका वैल्यू जीरो करेक्ट होगा, ठीक है, वन नहीं होगा, वन होगा तो दैट मीन्स देखिए यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रॉन का, दो न्यूट्रॉन का जो है कि ओरिएंटेशन सेम रहेगा, तो इसमें से जो है कि सिंगुलर स्टेट भी आएगा, ऐसे कर सकते हो कि टू एस प्लस वन इक्वल टू कितना आ रहा है कि वन आ रहा है, तो सिंगुलर स्टेट आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू जो है अलाउड हो रहा है कि जीरो, एंड एल का वैल्यू जो आ रहा है ये भी जीरो आ रहा है, टू आ रहा है बट जो है ना ऑप्शन में टू प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए एस एंड एल का वैल्यू जो है कि फाइनल स्टेट के लिए, दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स के लिए, इस दो न्यूट्रॉन के लिए फाइनल स्टेट के लिए जो करेक्ट है ऑप्शन फोर है। तो इधर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो ये दो क्वेश्चन ही पूछा गया था न्यूक्लियर पार्टिकल में फिजिक्स में से, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, थैंक यू।